हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी तक हम रिफ्रैक्शन एक प्लेन सरफेस से स्टडी कर रहे थे जिसमें लाइट अभी तक हम जो रिफ्रैक्शन स्टडी किए वो एक स्फेरिकल सरफेस से प्लेन सरफेस से स्टडी किए। प्लेन सरफेस में क्या होता था कि लाइट रे एक सरफेस पर इंसिडेंट होती थी, दूसरे से जो है वो आपकी इमर्जेंट हो जाती थी। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब देखा था। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में क्या होता है कि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट होती थी, यहाँ से निकल जाती थी, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि प्रिज्म क्या है। देखिए, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है जिसमें ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये ट्रायंगुलर सरफेस है, ये ट्रायंगुलर सरफेस है। तो ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पीस होता है जिसमें जो कई सरफेस से मिलकर के बाउंडेड होता है, जिसमें ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। और लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये कहलाते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल न होकर के कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। ये एक तो प्लेन होते हैं, दूसरे नॉन पैरेलल होते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जिसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन और नॉन पैरेलल होते हैं। प्रिज्म एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है आपके प्लेन और नॉन पैरेलल होते हैं। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इस ए बी सी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, इसको बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। तो थ्री डायमेंशन में प्रिज्म का फिगर आपको ऐसा दिखेगा। इसको जो हम टू डायमेंशन बनाते हैं तो केवल इसी प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन को दिखाते हैं, ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी रिफ्रैक्टिंग एज हो जाती हैं, इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं, और बी सी इसका बेस हो जाता है। तो हम जब डायग्राम ड्रा करते हैं तो केवल प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन को दिखाते हैं और को हम नहीं शो करते हैं। तो सबसे मेन बात क्या है कि प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू प्लेन नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें दो प्लेन और नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। तो आइए अब हम प्रिज्म के विषय में बात करते हैं। अब हमें स्टडी करना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आइए देखें प्रिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे। प्रिज्म इज मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। किससे मिलकर बना होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। आपको जो प्रिज्म मिलेगा उसमें कितने सरफेस होंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 सरफेस से मिलकर के वो बना हुआ होगा, जिसमें 1 2 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे, 1 2 2 ट्रायंगुलर सरफेस होंगे। तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होंगे, टोटल 5 सरफेस से मिलकर के आपका प्रिज्म बना होगा। ओके, आइए देखें। प्रिज्म इज अ मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है, बाउंडेड बाई एनी नंबर ऑफ सरफेस। यहां पर तो हमने 5 सरफेस ही बताया है, 5 से ज़्यादा सरफेस भी हो सकते हैं, 5 से कम भी हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हों, जहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हो, जहाँ से इमर्ज हो, वो नॉन पैरेलल प्लेन और नॉन पैरेलल होना चाहिए।
वो सरफेस कर्व हो सकते हैं या प्लेन हो सकते हैं, सच दैट द सरफेस ऑन व्हिच द रे इज इंसिडेंटिंग एंड द सरफेस थ्रू व्हिच द रे इमर्जेस आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि कई सरफेस से बाउंडेड होता है, वो कर्व भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जहाँ से लाइट इंसिडेंट हो, जहाँ से लाइट इंसिडेंट हो, जहाँ से वो इमर्ज हो, ये दोनों सरफेस प्लेन और नॉन पैरेलल होने चाहिए। क्या? प्लेन और नॉन पैरेलल होने चाहिए। तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कई सरफेस से मिलकर के बाउंडेड होता है, जिसमें जिस सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है और जहाँ से वो इमर्ज होती है, ये दोनों एक दूसरे के प्लेन और नॉन पैरेलल होते हैं। ओके, तो प्रिज्म टू प्लेन नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। देखिए 3D व्यू अगर देखेंगे 3 डायमेंशन में, तो प्रिज्म आपको ऐसे दिखेगा, फ्रंट सेक्शन ABC ये दिखेगा, बैक सेक्शन ये DEF दिखेगा, ये आपके रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे। लेकिन अगर आप इसका प्रिंसिपल सेक्शन देखेंगे ये ABC, तो आपको ABC ऐसे दिखेगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, AB ये हो गया, AC ये हो गया, प्रिज्म एंगल ये A हो गया, इसको रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं, और AB और AC को रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, A को प्रिज्म एंगल बोलते हैं, BC को बेस ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं, ओके, और ABC को प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो अब जब भी हम ड्रा करेंगे प्रिज्म का डायग्राम, वो इस तरीके से ड्रा करेंगे, यहाँ पर AB पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होगी, AC से वो इमर्जेंट होगी, और AB और AC दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, दोनों एक दूसरे से एक एंगल पर इंक्लाइंड होंगे, ये एंगल एक्यूट भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, बस यही ये प्लेन सरफेस नहीं होंगे। ओके, ये 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं हो सकता है। ओके, आइए देखें अब डिफिनीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होता है। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है। दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, जहां पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है और जहां से लाइट रे निकलती है, इन दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। तो द एंगल बिटवीन द टू प्लेन नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। यहां पर एक सरफेस ये है, एक सरफेस है, इनके बीच का ये जो एंगल है, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। देखिए, इट इज द एंगल मेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस थ्रू व्हिच रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। जिन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, उनके बीच के एंगल को हम रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। इस केस में रिफ्रैक्टिंग एंगल ये हो जाएगा, यहाँ पर इस केस में रिफ्रैक्टिंग एंगल ये हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ये एक ट्रेपेजियम है, लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। अब इनको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो यहाँ आकर के हम मीट करेंगे, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल ये माना जाएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल ये माना जाएगा, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये माने जाएंगे। इनके हम कोई नाम रख दें, PQRS, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा PQ और RS, और रिफ्रैक्टिंग एंगल ये हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा QR, ये आपकी हो जाएगी इंसिडेंट रे, ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, ये हो जाएगी इमर्जेंट रे, और ये दोनों सरफेस देखिए RS और PQ ये आपके पैरेलल नहीं है, ये नॉन पैरेलल सरफेस हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये डायग्राम दिया गया है PQRS, ये भी एक प्रिज्म है, यहाँ पर देखिए लाइट रे इंसिडेंट हो रही, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हो गई, इमर्ज हो रही इस सरफेस से, ये आपकी इमर्जेंट रे हो गई, इन दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाएगा, ये इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेंगे, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है, अब यहाँ पर लाइट रे ये इंसिडेंट हो रही, इसका कोई नाम दे दे, PQRS, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, अगर हम इसको पीक, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, देखिए इंसिडेंट रे, ये आपकी इमर्जेंट रे हो गई। अब यहां पर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन हो जाएंगे, PS और PQ रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। क्या है?
PS और PQ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो एक जो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री है, यह एंगल ऑफ द प्रिज्म 90 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये कहलाएगा। तो इन जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही हो, जहाँ से इमरजेंट हो रही हो, वो दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं वो एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाता है, या उसी को हम रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री भी हो सकता है, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है, ठीक ना, इसकी वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है। ओके, आइए हम दूसरी डिफिनेशन देखें। द एंगल बिटवीन द फेसेज ऑन व्हिच लाइट इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम व्हिच इट इज इमर्जेंट, मीन्स जिस फेस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है वो फेस, जहां से इमर्ज हो रही वो फेस, उन दोनों के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ द प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ द प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाते हैं, कहते हैं। और ये एक अब कभी कभी अगर ये नहीं शो किया गया तो उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाएगा। अब आइए हम देखते हैं, इन ऑल अबव ए इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, जितने ये डायग्राम बने हैं, डायग्राम ए, डायग्राम बी, डायग्राम सी, डायग्राम डी, इन सब में ए जो है वो एंगल ऑफ द प्रिज्म है या रिफ्रैक्टिंग एंगल है। क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल है या एंगल ऑफ द प्रिज्म है। अब आइए देखें, हमने बताया कि जब भी अब हम लोग डायग्राम ड्रा करेंगे प्रिज्म का, तो हमेशा हम जो है वो प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन को शो करेंगे, इसी ए बी सी को शो करेंगे, जिसमें बी सी को बेस मानेंगे, ए बी को हम, ए बी और ए सी को जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस मानेंगे। ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। अब जरा पैरेलल वो प्लेन ग्लास स्लैब में याद करो, प्लेन ग्लास स्लैब में जब रिफ्रैक्शन होता था तो वहाँ डेविएशन जीरो होता था, केवल लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता था, यहां पर ऐसा नहीं होगा। आइए देखें, इन अ प्रिज्म, जब भी हम कोई प्रिज्म डिस्कस करेंगे तो क्या क्या मेन बातें याद रखेंगे, जैसे देखिए ये ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका ए प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल है, ए बी और ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ए बी सरफेस देखिए पी क्यू आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, आर एस क्या है, इमर्जेंट रे है, क्या है, इमर्जेंट रे है, और ए एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म इसको बोलते हैं या रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स एंगल ए जो है वो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, एंगल आपका ये एंगल ऑफ द, देखिए यहां पर पी क्यू आपकी जो है वो इंसिडेंट रे है, क्यू आर जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, आर एस जो है इमर्जेंट रे है, यहाँ पर ए बी जो है पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जहाँ पर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, मीन्स अगर आपका ये प्रिज्म है तो लाइट पहले आकर के यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो ये ए बी हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के निकल रही है, तो वो आपका ये सरफेस हो गया ए सी सरफेस, ये वाला सरफेस ए बी सरफेस है, ये वाला सरफेस ए सी सरफेस है। अब ये क्यू पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, Q पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही, हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये N1 नॉर्मल से इसका जो एंगल ये I बन रहा है पी क्यू रे का, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी, ये N1 आपका नॉर्मल है, नॉर्मल से ये दूर हटी, ये एंगल R1 बनाती हुई रिफ्रैक्ट हो गई, तो R1 रिफ्रैक्टिंग एंगल है सरफेस ए बी पर, R1 रिफ्रैक्टिंग एंगल है सरफेस ए बी पर। अब यहां से ये रिफ्रैक्ट होती हुई जाकर के AC सरफेस के पॉइंट R पर इंसिडेंट हुई, जब ये R पर इंसिडेंट हुई तो अब इसका फिर रिफ्रैक्शन होगा, अब ये ग्लास से एयर में जाएगी, पहले ये एयर से ग्लास में आई थी तो अब इसका फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही तो नॉर्मल से दूर हटेगी, हमने दूसरा नॉर्मल N2 ड्रा कर दिया,
दूसरा नॉर्मल एन टू ड्रा कर दिया, इस नॉर्मल से इसका एंगल आर टू है, आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा एसी सरफेस पर, और यहाँ पर नॉर्मल से इमर्जेंट रे के एंगल को इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, जिसको ई से डिनोट करते हैं। तो ये आर टू जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा एसी सरफेस के लिए, एंगल ई हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इमर्जेंस सेकेंड सरफेस पर, आर एस इमर्जेंट रे हो जाएगी, आर एस जो है ग्लास से एयर में जा रही है, डेंसर से एयर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये एन टू जो है वो नॉर्मल है सेकेंड सरफेस पर। ओके, तो यहाँ पर अब आपके देखिए कितने एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, आर वन आर टू आई और ई और एंगल ए, एंगल ए एंगल ऑफ द प्रिज्म है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर वन आर टू, आर वन आर आर वन जो है रिफ्रैक्टिंग एंगल है फर्स्ट सरफेस पर, आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड सरफेस पर, एंगल ई जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और इस जिस मटेरियल के प्रिज्म बना है ग्लास का उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने एन जी मान लिया है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन ए मान लें। तो अब जब भी हम जो है प्रिज्म का डिस्कशन करेंगे तो हम क्या दो बातें अप्लाई करेंगे, इन प्रिज्म वी कैन अप्लाई स्नेल लॉ एट द टू सेपरेट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हम एक ए बी सरफेस पर स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे, एक ए सी सरफेस पर स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। बेसिक ज्योमेट्री फॉर सेलेक्टेड ट्रेंगल, जो ट्रेंगल हमने ए बी सी सेलेक्ट किया है इसके लिए हम ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, हमारे सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो जब भी हमें प्रिज्म की स्टडी करना होगा तो उस केस में हम जो है नंबर एक बात ए बी और ए सी सरफेस पर जो है स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे, दूसरा हम बेसिक ज्योमेट्री अप्लाई कर करके और सारा डिस्कशन कर लेंगे। तो अब हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का, आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे स्टडी करते हैं।